इसराइल के खिलाफ ईरान का साथ रूस दे रहा है और अब ईरान की आवाज को दुनिया की एक और लाल ताकत ने बुलंद किया है, नाम है चीन, जिसने गाजा में फौरन हमले को रोकने की मांग की है। इतना ही नहीं, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इसराइल के मुद्दे पर भी चीन और रूस का एक गठबंधन नजर आने लगा है, क्योंकि अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि गाजा पर इसराइल की बमबारी अब आत्मरक्षा के दायरे से बाहर निकल चुकी है। इसराइल को अब गाजा को सामूहिक सजा देना बंद करना चाहिए। यानी कि अब देखा जाए तो दुनिया लगातार रूस और अमेरिका की अगुवाई में दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिख रही है। एक तरफ रूस के नेतृत्व में वो देश हैं जिनका कहना है कि अब इसराइल को गाजा पट्टी पर हमले बंद करने चाहिए, और दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व में यूरोप के कई देश हैं जो ये मानते हैं कि हमास एक खूंखार आतंकवादी संगठन है और अब उसको उसकी करतूतों की सजा देना इसराइल का कर्तव्य और अधिकार है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन ने भी इसराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और उनके बीच हुई बातचीत काफी अहम है। I was today in Kfar Aza, and this is breaking my heart, what I saw and what I heard. The blood of people killed in their sleep, the stories of innocents burned alive or slaughtered in their homes, the parents hiding their newborn babies before confronting the terrorists, children and elderly people ripped from their families, taken hostages, even Holocaust survivors. Over 1,300 human beings were murdered by barbaric terrorists of Hamas against Israel. They aimed to eradicate Jewish life from the land, and they took action. I appreciate the expression of support that you gave now and in the recent days, and the fact that so many European countries have stood with us and shoulder to shoulder. These are not merely acts of war, these are war crimes. What Hamas has done is to perpetrate the worst war crime since the Holocaust. जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला द्वितीय भी इस पूरे युद्ध को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उनके सामने चुनौती ये है कि अगर कहीं वेस्ट बैंक वाले फिलिस्तीन के अंदर भी युद्ध का शोर उठा तो इसका बड़ा असर जॉर्डन पर पड़ने वाला है। हमास इसराइल युद्ध के बीच जॉर्डन को अपने जनसंख्या असंतुलन का डर सताने लगा है। दरअसल जब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ तब फिलिस्तीन के शरणार्थी जॉर्डन में चले गए और फिर वहां से नहीं लौटे। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो जॉर्डन की जनसंख्या का असंतुलन और बढ़ सकता है। ये मैप जरा ध्यान से देखिए। फिलिस्तीनियों का कब्जा फिलहाल दो जगहों पर है, पहला वेस्ट बैंक जो यरूशलम के आसपास का इलाका है और दूसरा गाजा पट्टी। जॉर्डन के बादशाह को यह डर है कि अगर गाजा में हमास ने युद्ध शुरू किया तो फिर वेस्ट बैंक के अंदर से भी हमास के लोग इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं। 7 अक्टूबर के बाद से ही इस पूरे इलाके के अंदर तनाव है और वेस्ट बैंक में भी इसराइली सेना की कार्रवाई में लोग मरे हैं। इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर हालात ये है कि यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग भारी मात्रा में खाने पीने का सामान लंबे समय तक के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। जॉर्डन को अपनी जनसंख्या के अंदर असंतुलन का खतरा सता रहा है। दरअसल जॉर्डन की कुल आबादी करीब 1 करोड़ है और इनमें से 10 लाख लोग फिलिस्तीनी शरणार्थी है, यानी जॉर्डन की 10% आबादी फिलिस्तीनी है। जब इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हुआ तो फिलिस्तीन के लोग बतौर शरणार्थी जॉर्डन चले गए और वहां से कभी नहीं लौटे। अगर ऐसा फिर होता है तो जॉर्डन की जनसंख्या का असंतुलन फिर बिगड़ जाएगा और बढ़ भी जाएगा।
और यही वजह है कि जॉर्डन भी सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर किसी तरह शांति की स्थापना की कोशिश में जुटा हुआ है। और साफ कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो दो मोर्चों पर जंग लड़ने से इजरायल की सेना पीछे नहीं हटेगी। खबर के मुताबिक इजरायल की सेना का गुस्सा इसलिए भी भड़का क्योंकि ईरान ने उसे सीधे तौर पर धमकाने की कोशिश की। ईरान ने इजरायल की सेना से गाजा में हमले को रोकने को कहा, साथ ही ये भी कह दिया कि अगर हिजबुल्ला ने कोई कदम उठा लिया तो इजरायल में भूकंप आ जाएगा। लेकिन खबर है कि जैसे ईरान ने इजरायल को धमकाने की कोशिश की, इजरायल की सेना ने भी तुरंत पलटवार करते हुए अपने इरादे साफ कर दिए। उधर गाजा से हमास के लड़ाकों ने इसराइल पर रॉकेट की बौछार कर दी। दावा किया गया कि हमास के हमले में इसराइल का एक आयरन डोम सिस्टम तबाह हो गया। हमास के रॉकेट हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आसमान में एक के बाद एक कई रॉकेट उड़ते दिखाई दिए। ऐसा लगा मानो किसी ने पटाखों के गोदाम में आग लगा दी हो। हमास ने गाजा से रॉकेट की ऐसी बौछार की कि पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया। सामने आए वीडियो में कई रॉकेट दुश्मन के इलाके की तरफ बढ़ते नजर आए। रॉकेट हमले के बाद एक इलाके में जोरदार धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता दिखा। हमास के मुताबिक उसने अपने भीषण हमले में इसराइल के कवच कहे जाने वाले आयरन डोम सिस्टम को नष्ट कर दिया। इसराइल की सेना लगातार आयरन डोम सिस्टम से हमास के हमलों को नाकाम कर रही है, लेकिन अगर हमास के दावे में सच्चाई है तो इसराइल के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं। इसराइल के तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने उनके घर में घुसकर उनके लोगों को बंधक बनाया और उसके बाद वो लोग उनके लोगों को अपने साथ ले गए, जिसके विरोध में इसराइल के नागरिक सड़कों पर उतर आए और इसराइल की सरकार से उन लोगों को सुरक्षित लाने के लिए गुहार लगाई। यही नहीं, उन लोगों ने अपनी सरकार पर अनदेखी का भी आरोप लगाया, जिसके बाद लोगों ने नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहां से वीडियो सामने आया, उसमें बड़ी संख्या में इसराइल के नागरिक हाथों में नारे लिखे तख्तियां लेकर आगे की तरफ बढ़ते नजर आए। इस दौरान कई लोगों के हाथ में इसराइल का झंडा भी दिखाई दिया। उन लोगों ने इसराइल सरकार से मांग की कि फिलिस्तीन के लोगों को हमास को सौंपा जाए और उनके लोगों को हमास के लड़ाकों से सुरक्षित इसराइल लाया जाए। कुछ दिन पहले हमास के लड़ाकों ने दावा किया था कि उन लोगों ने इसराइल के हजारों लोगों को बंधक बनाया था, जिसके बाद इसराइल की सड़कों पर उन लोगों को सुरक्षित लाने का आंदोलन शुरू हो गया। इसराइल के तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी, क्योंकि उन लोगों ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने उनके परिवार के लोगों को बंधक बना लिया, लेकिन इसराइल की सरकार उनके लोगों को छुड़ाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है। और उसके बाद उन लोगों का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। यही नहीं, उन लोगों ने नेतन्याहू के इस्तीफे तक की मांग कर दी। वहां से जो वीडियो सामने आया, उसमें हमास के लड़ाकों ने जिन लोगों को बंधक बनाया, उनके परिवार के लोग बैनर पोस्टर लेकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस दौरान उनकी अधिकारी से बहस भी होती नजर आई। उन लोगों ने बंधक बनाए लोगों के पोस्टर दीवारों पर चिपका दिए और इसराइल सरकार से उन लोगों को सुरक्षित लाने की गुहार लगाई। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों ने इसराइल पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद इसराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसराइल के बंधकों के बारे में इसराइल की मिलिट्री ने बड़ा दावा किया है। इसराइली सेना का दावा है कि हमास ने इसराइल के जिन लोगों को बंधक बनाया है उनकी तादाद 155 है और हमास के आतंकियों ने उन्हें गाजा पट्टी में ही रखा है। अब इसराइल अपने बंधक बनाए नागरिकों को हमास के चंगुल से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसराइल ने हमास को पूरी तरह तबाह करने की कसम खाई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर इसराइल के रक्षा मंत्री तक हमास के एक एक लड़ाके को मारने की बात कह रहे हैं। इसी बीच इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा पट्टी की सीमा के पास से इलाके का दौरा किया और कहा कि गाजा पट्टी से हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से युद्ध के और घातक होने की आशंका जताई गई। इसराइल के रक्षा मंत्री ने हमास को बर्बर आतंकी संगठन बताया, हमास पर बच्चों और महिलाओं के साथ बर्बरता करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को जल्द छुड़ाने की बात कही। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लापता लोगों के परिवार से मुलाकात की। हमास पर करीब 150 लोगों को बंधक बनाने का आरोप है, जिनमें इसराइल के साथ ही कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इसी बीच नेतन्याहू इसराइल के लापता लोगों के परिवार से मिले। इस दौरान वो लोगों को ढांढस बंधाते दिखे और लापता लोगों के जल्द वापस लाने की बात कही। प्रधानमंत्री से मिलने के दौरान लापता लोगों के परिवार वाले रोते नजर आए। हमास के हमले में इसराइल के 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं 150 से ज्यादा लोगों को हमास द्वारा बंधक बनाया गया है, जिनमें बच्चों और महिलाओं के होने का दावा किया गया।